नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन टेकी पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले जो खबर आ रहा है टेक न्यूज में, बहुत ही अच्छी खबर आज के टेक न्यूज में है। तो सबसे पहले जो टेक न्यूज की खबर में आ रहा है, आज लिनोवो ने आज लॉन्च कर दिया है इंडिया में लिनोवो वाइव के फाइव नोट लॉन्च कर दिया है। तो देखते हैं उसका स्पेसिफिकेशन कैसा है, क्या है उसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा मेटालिक डिजाइन है उसमें। 5.5 इंच की फुल एचडी स्क्रीन है, 1920x1080 पिक्सल वाला स्क्रीन दिया गया है इसमें। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, जिसमें यदि आपको मिला 1.8 GHz ऑक्टा कोर मीडिया टेक का P10 प्रोसेसर, हीलियो P10 प्रोसेसर मिलेगा आपको, जिसमें लगा ग्राफिक्स लगा हुआ है, T86 का GPU लगा हुआ है मालिका। और रैम की बात करते हैं, यहाँ पे वो दो वेरिएंट में छोड़ेगा दोस्तों, 3 GB और 4 GB वेरिएंट में आएगा ये। और मार्शमेलो के ऊपर आएगा, डुअल सिम रहेगा, हाइब्रिड सिम रहेगा यहाँ पे, डुअल सिम नानो सिम रहेगा। माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं उसका कैमरा का, जो रियर कैमरा है 13MP का रियर कैमरा मिलेगा, और जो फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा 8MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा। आप और कुछ को और क्या मिल रहा है इसमें, आपको फिंगरप्रिंट मिल रहा है, 4G LTE मिल रहा है, और डॉल्बी एटम जो साउंड है उसका वो भी मिल रहा है, लेनोवो हमेशा देता है उसके मोबाइल में। बैटरी की बात कर लेते हैं, बैटरी आपको मिल रहा है 3500 mAh की बैटरी मिल रहा है। और ये जो मोबाइल है ये तीन कलर में आपको मिलेगा। बता दें क्या क्या कलर आपको मिल रहा है, एक प्लैटिनम सिल्वर मिलेगा, एक ग्राफाइट कलर मिलेगा, और एक चैंपियन गोल्ड कलर में आएगा। ये तीन कलर में आएगा, K5 नोट प्लस जो है 3 कलर में आएगा। जो 3 GB रैम वेरियंट है उसका प्राइस है 11,999 रुपया, यानी कि 12,000 रुपया। और जो 4 GB वेरियंट है उसका जो प्राइस है 13499, यानी कि 13,500 रुपया। अब कब मिलेगा ये आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव इन फ्लिपकार्ट, 3 अगस्त को, यानी कि 3 अगस्त को मिडनाइट से ही आपको ओपन सेल में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में मिलेगा ये। और इसके साथ कुछ ऑफर भी चल रहा है अभी, अगर जैसे ही लॉन्च हो जाएगा आप खरीदेंगे तो आपको एक VR हेडसेट मिलेगा, उसके साथ ईवो का एक गेम पैड भी मिलेगा, जो गेमिंग पैड होता है ब्लूटूथ कंट्रोलर के साथ वो भी मिलेगा। अगले खबर की बात करते हैं, अगले खबर भी लेनोवो की तरफ से आ रहा है। लेनोवो का जो K5 है, K5 प्लस है, उसका आज एक 3 GB वाला वेरिएंट वो लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, जो पहले था 2 GB वाला था, 7,000 के आसपास मिल रहा था, उसका आज 3 GB वेरिएंट आ गया है। तो उसका स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, वो स्पेसिफिकेशन तो मुझे लगता है सेम ही है, वही मेटल बॉडी है, वही सब है, लेकिन इसमें क्या क्या आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन की बात करते हैं, 5 इंच की फुल एचडी स्क्रीन मिलेगा, उसमें भी मिल रहा था, यहाँ पे भी है, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। प्रोसेसर भी वही सेम है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर 616 क्वालकॉम का। और जो रैम जो यहाँ पे है वो है 3 GB रैम है, 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। अब बात करते हैं कैमरा की, जो 13MP का रियर कैमरा है और 8MP का वो फ्रंट कैमरा है। और जो 13MP कैमरा है, रियर कैमरा है, उसमें 5P लेंस लगा हुआ है। और जो 5MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो F2.8 अपर्चर के साथ आएगा, 4P लेंस के साथ, तो लगभग सेम ही है दोनों में। अब सिम की बात करते हैं, इसमें भी डुअल सिम मिलेगा, 4G LTE मिलेगा। बैटरी कैपेसिटी जो है 2750 mAh का बैटरी है इसमें। अब प्राइस की बात कर लेते हैं, प्राइस जो है ये 8,499 रुपये है, मतलब 8,500 का इसका प्राइस है। अगला जो खबर आ रहा है ऑनर की तरफ से आ रहा है, ऑनर 5 आज चाइना में लॉन्च हो गया है, और ये भी बहुत मेटालिक है और मेटालिक बॉडी के साथ लॉन्च हुआ है। और बहुत ही कुछ समय पहले ही ऑनर बहुत सारा अच्छा अच्छा मोबाइल लॉन्च कर रहा है, तो ये उसमें से एक है, अच्छा मोबाइल है, बहुत ही अच्छा मेटालिक मोबाइल है, और ये बहुत ही बजट सेगमेंट में आया है। तो उसका स्पेसिफिकेशन आपको बता रहे थे, क्या क्या मिल रहा है आपको उसमें। 5 इंच की HD डिस्प्ले मिल रहा है, 720p वाला डिस्प्ले मिलेगा, IPS डिस्प्ले मिलेगा इसमें, 1.3 GHz का मीडिया कोर का CPU मिलेगा आपको इसमें, प्रोसेसर जो मिलेगा 1.3 GHz मीडिया कोर का प्रोसेसर मिलेगा, माली T720 का GPU लगा हुआ है इसमें, 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल मेमोरी के साथ आएगा। और जो एक्सपेंडेबल होगा मेमोरी 128 GB तक ये एक्सपेंडेबल हो सकता है। अब बात करते हैं उसका OS और कैमरे की बात करते हैं, इसमें आपको 5.1 लॉलीपॉप OS मिलेगा, ऊपर से उन लोगों का कस्टम रोम जो है EUI बोलते हैं उसको, वो मिलेगा 3.1 उसका मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं सिम की बात करते हैं, डुअल सिम है इसमें, 8MP की रियर कैमरा है, 2MP की फ्रंट फेसिंग कैमरा है, और 4G है,
जीपीएस है, ब्लूटूथ है, सब है। और जो बैटरी है वो 2200 mAh की है। आप बात करते हैं कीमत की, ये वहाँ पे 599 yuan में लॉन्च हुआ है चाइना पे, तो यहाँ के हिसाब से वो 6000 पड़ेगा यहाँ पे। तो देखते हैं ये कब आता है यहाँ पे और कितना प्राइस रहता है। मुझे लगता है बहुत ही जल्द आ जाएगा। अगले खबर की बात करते हैं, जो अभी ऑनर 5 के बारे में बताया था मैंने, उसी के इवेंट में ऑनर ने उसका ऑनर नोट 8 का अभी अनाउंस कर लिया है। और ये भी देखने में बहुत ही अच्छा दिखता है, मेटल बॉडी है। तो अब इसका स्पेसपन की बात कर लेते हैं। नोट 8 है, बहुत ही बड़ा स्पेसपन, लंबा स्पेसपन है। मैं बता देता हूँ क्या क्या है उसमें। सबसे पहले स्क्रीन की बात करते हैं। स्क्रीन जो मिल रहा है आपको 6.6 इंच की क्वाड एचडी डिस्प्ले मिल रहा है। जी हाँ, 6.6 इंच की, मतलब 6.5 इंच लगभग हो जाएगा। तो ये मोबाइल तो नहीं है आप, लेकिन आजकल चल रहा है बिग सीरीज चल रहा है, तो उसी के हिसाब से 6.6 इंच की आपको यहाँ पे क्वाड एचडी डिस्प्ले स्क्रीन मिलेगा, वो भी 2.5D ग्लास लगा हुआ है उस पर। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर यहाँ पे ऑक्टा कोर प्रोसेसर, किरिन प्रोसेसर लगा है, खुद का प्रोसेसर, ऑनर का जो हुआ भी का खुद का प्रोसेसर है वो लगा हुआ है। तो इसमें जो पहले 4 कोर है वो कॉटेक्स A72 वाला है, और बाकी के जो 4 कोर है वो कॉटेक्स A53 वाला है। और जो पहला वाला है 2.2 GHz के ऊपर चलता है, जो बाकी 4 बचे हैं A53 का जो लोअर वर्सन है वो 1.8 GHz के ऊपर चलते हैं। और जीपीयू जो लगा है माली का T88 GPU आपको मिलेगा इसमें। अब बात करते हैं रैम की, तो इसमें आपको 4 GB रैम मिलेगा, लेकिन स्टोरेज में आपको 3 वेरिएंट यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ऑनर ने। तो पहला जो वेरिएंट है 32 GB का, दूसरा जो वेरिएंट है 64 GB का, और तीसरा जो है 128 GB का आपको मिल रहा है। अब बात करते हैं कैमरा की, यहाँ पे आपको 13 MP का रियर कैमरा मिल रहा है और 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल रहा है। और ये मास मिलो के ऊपर आएगा, एंड्रॉइड 6.0 के ऊपर आएगा। अब बैटरी की बात करते हैं, इसका जो बैटरी है 4500 mAh की बैटरी है। अब बात करते हैं कीमत की। कीमत जो है इसका वेरिएंट के हिसाब से आया है कीमत। तो पहला वाला जो है उसका 23,000 पड़ेगा इंडियन के हिसाब से, दूसरे वाला जो है 25,000, और तीसरे वाला जो है 128, सबसे टॉप मॉडल जो है वो 28,000 के आसपास पड़ेगा। तो ये चाइना में अगस्त 9 से मिलना शुरू हो जाएगा, तो इंडिया में कब आता है देखते हैं कब आएगा ये। अगला जो खबर आ रहा है पानासोनिक की तरफ से आ रहा है। पानासोनिक ने आज पानासोनिक इलुगा ARC2 लॉन्च कर दिया है। तो स्पेसन की बात करते हैं, कुछ उतना खास स्पेसन नहीं है, क्योंकि जब अब मैं प्राइस बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे उसके हिसाब से कुछ ऐसा ही खास नहीं छोड़ा है उन लोगों ने। तो बता देता हूँ क्या क्या है आपका स्पेसन, क्या क्या मिलता है। 5 इंच की 720 वाला डिस्प्ले मिल रहा है, 3 GB रैम, 1.3 GHz के क्वाड कोर प्रोसेसर रहेगा, 3 GB की रैम मिलेगा, 32 GB इंटरनल स्टोरेज रहेगा, मास मिलो के ऊपर आएगा, हाइब्रिड सिम ट्रे है, मतलब दो सिम नहीं तो एक सिम, एक माइक्रो एसडी कार्ड, तो हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। 8 और 5 का कैमरा कॉम्बिनेशन है, मतलब 8 MP का रियर कैमरा है और 5 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। और क्या है इसमें खास, और 4G है, LTE है, और 2450 mAh की बैटरी है। और जो कीमत है इसमें, कीमत जो है 12,290 रुपया है इसमें। तो इसीलिए बोला कि कुछ खास नहीं है, क्योंकि 12,000 में आपको 720p वाला डिस्प्ले मिलेगा, ऊपर से फिंगरप्रिंट भी नहीं है, मेटालिक बॉडी भी नहीं है, तो ये तो आजकल नहीं चलेगा। क्योंकि उसमें 12,000 में आपको रेडमी नोट 3 आ जाएगा, LA2 आ जाएगा, और भी बहुत सारे फ़ोन आ जाएंगे, लेकिन ये तो बेहतरीन फ़ोन सब है अभी, तो ये सब मिल जाए तो इसको कौन खरीदेगा। अगला खबर जो आ रहा है सोनी की तरफ से आ रहा है। तो इसी महीने में पता चल रहा था कि सोनी उसका सेल यहाँ पे इंडिया पे बंद कर लेगा, और भी बहुत सारे कंट्री में बंद कर रहा है, लेकिन अब पता चला है कि सोनी सब स्मार्टफोन नहीं बेचेगा, सिर्फ जो उसका प्रीमियम डिवाइसेस है, मतलब 20-25 हज़ार से ऊपर जो डिवाइसेस है वो सब आएगा इंडिया में, बाकी सब लो बजट का जो फ़ोन है बाकी सब सेल यहाँ पे बंद कर लेगा। वो बोल रहा है यहाँ पे उतना उसका नहीं हो रहा है, तो सिर्फ अभी सोनी का आपको जो आगे नेक्स्ट महीने या उसके बाद में आपको सिर्फ उसका प्रीमियम डिवाइसेज जितना है, सोनी का हाई एंड सीरीज जितना है वो सब मिलेगा। अगली खबर की बात करते हैं, एप्पल एप्पल का एक साइड लॉन्च हुआ है एवरी सेकेंड बोल के, everysecond.io/Apple आप मारेंगे तो उसमें आपको हर सेकेंड में क्या एप्पल का रेवेन्यू है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना आईफोन सोल्ड हुए, कितना आईपैड सोल्ड हुए, सब दिखा रहा है। मैं भी टेस्ट करके देखा हूँ, सब दिखा रहा है कितना प्रॉफिट कर रहा है, कितना उसका रेवेन्यू चल रहा है, कितने डेस्कटॉप सोल्ड किए, सब हमेशा मतलब हर एक सेकंड में वो उसका जो
ग्राफिक्स है वो चेंज होते जा रहा है, उसका जो कि मतलब कितना क्वांटिटी है वो सब चेंज होते जा रहा है। तो ऊपर में फोटो देखिए कैसा साइड दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह की साइड लॉन्च हुआ है एवरी सेकेंड डॉट आईओ करके। अगला जो खबर आ रहा है पोकेमॉन की तरफ से आ रहा है, पोकेमॉन के नहीं यूएसए की तरफ से, यूएसए से आ रहा है वो, पोकेमॉन के तरफ से आ रहा है। तो पोकेमॉन गो के नाम पे एक यूनिवर्सिटी ने, यूएसए का एक यूनिवर्सिटी ने क्लासेस देना शुरू कर दिया है। जी हाँ, एक मज़ेदार खबर है इसीलिए आपको बता दिया। तो एक यूएसए का यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपको अभी नेक्स्ट महीना से पोकेमॉन गो के क्लासेस मिल जाएंगे। क्या कहे उसमें, वहाँ पे आप कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर पोकेमॉन सर्च करेंगे, जो जितना पोकेमॉन रहेगा उसी के हिसाब से क्रेडिट मिलेगा। और उस वो क्रेडिट जो हो जाएगा वो कोर्सेस क्रेडिट हो जाएगा, मतलब उनका जो एडमिशन कोर्सेस है उसमें क्रेडिट आपको मिलेगा। तो ऐसा कुछ है उनका सिस्टम, तो ज़्यादा पता नहीं है, उतना ही पता था कि एक कोर्स लॉन्च हुआ है बोल के। तो बस आज के टेक न्यूज में इतना ही, आशा करते हैं कि आपको ये टेक न्यूज अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह और भी टेक न्यूज देखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप अच्छे अच्छे सब्सक्राइब करेंगे, अच्छे अच्छे लाइक देंगे तो हमारा भी हम और भी मोटिवेट होकर आपको और भी टेक न्यूज देंगे और ठीक तरह से देंगे। तो आज के टेक न्यूज बस इतना ही। टेकी बन के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इसी तरह और भी वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं कल के टेक न्यूज में और अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।